क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जल्दी से। देखिए नाइन्थ में क्या बोला है इसने, नाइन्थ में फिगर हमें 7 यूज़ करनी है। फिगर 7 में यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये क्या मेरा सेफ, एस ए एफ ई, ठीक है। अब ये लाइन है, डायगनल्स बोलते हैं इसको, ये है, ठीक है। अब ये मेरा कितना है, देखिए ये मेरा पॉइंट है ओ। अब मुझे दिया हुआ है ए ओ, मुझे दिया ए ओ मुझे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेता हूँ ए ओ मुझे कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फिगर में आपको ऐसे लिखा होगा, देखो ऐसे 12, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दिया। ओ एफ मुझे दिया हुआ है 9, ये मुझे 9 दिया हुआ है। ओ एफ ये कितना है मेरा 9 सेंटीमीटर। और मुझे एस ओ दिया हुआ है मुझे एक्स, ये मेरा कितना है एक्स। सो मेरा एस ओ ये कितना हो गया मेरा एक्स। और मुझे दिया हुआ है ओ वाई दिया हुआ है, ओ ई दिया हुआ है मुझे वाई, ये मुझे वाई दिया हुआ है। ओ ई मुझे कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, ठीक है। ये सब मुझे डिटेल्स दी हुई हैं और मुझे निकालना है एक्स वाई जी, मुझे एक्स वाई जी निकालना है। जी कौन सा है मेरा, ई एफ मेरा जी है, ठीक है। ई एफ ये है मेरा जी, ई एफ ही मेरा जी है, मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये सब मेरा गिवन है, देखिए ध्यान देना। ये मेरा 12, देखो ये मेरा एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में जो डायगनल्स होती हैं वो बराबर नहीं होती, लेकिन रोम्बस की जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करती हैं मगर आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, देखिए ए ओ मेरा किसके बराबर है, ए ओ मेरा बराबर होगा ओ ई के, ठीक है। और मेरा एस ओ, एस ओ मेरा बराबर होगा ओ एफ के, ठीक है। तो ये जो ए ई है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इसको एस एफ ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ए ई ने एस एफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है। डिफरेंस समझो, रेक्टेंगल में दोनों डायगनल्स बराबर भी होती हैं और एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती हैं। रोम्बस में दोनों डायगनल्स बराबर नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में डायगनल्स भी बराबर होती हैं, उसके हाफ ऑफ पार्ट्स भी बराबर होते हैं। रोम्बस में क्या होता है, उसके हाफ ऑफ पार्ट्स एक दूसरे की डायगनल्स के बराबर नहीं होते, मगर हाफ ऑफ पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए ओ ओ ई के बराबर है, अब ए ओ को मैं एस ओ के बराबर नहीं कर सकता, या ए ओ को मैं ओ एफ के बराबर नहीं कर सकता, रेक्टेंगल में हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, तो ओ ये मेरा ए ओ और मेरा ओ ई कितना हो गया, मेरा ए ओ 12 था तो मेरा ओ ई भी हो गया 12 सेंटीमीटर। अब मेरा एस ओ कितना था, ये एक्स था मेरा, और ओ एफ कितना था मेरा 9 हो गया, तो दोनों मेरे कितने हो गए, दोनों मेरे हो गए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, हम पहले रीज़न लिख लेते हैं, डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये 90 पे भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट, चलो ये 90 वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। डायगनल्स ऑफ ये हमारे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, हो गया बाइसेक्ट। अब देखिए ओ ओ ई मेरा कितना था, वाई था, तो ओ ई मेरा कितना है, वाई है इक्वल्स टू, वाई है इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड और मेरा क्या था, एस ओ मेरा एक्स था, एस ओ इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो एक्स और वाई तो आ गए, अब जी निकालना है। आप देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, क्यों, क्योंकि रोम्बस की जो डायगनल्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 पे वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे। तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ में आ जाओ, ई ओ एफ में, ठीक है, एंगल ओ, इसमें एंगल ओ है, ठीक है, एंगल ओ मेरा इसमें कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। देखो क्योंकि मैं ई ओ एफ की बात कर रहा हूँ ना, तो ई ओ एफ में मैं ई को पूरा ई बोलूँगा, एफ को पूरा एफ बोलूँगा, इसको पूरा ओ बोलूँगा, इसमें आप कर सकते हो। एंगल ओ मेरा कितना है 90 डिग्री है। रीज़न क्या है, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस
बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ठीक है जी। अच्छा ये मेरा 90 है, तो अगर एक ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कोई भी 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसे हो, ये 90 हो, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 के सामने जो साइड होती है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, 90 के सामने जो साइड होती है ए सी, उसका स्क्वायर वो बाकी दो साइडों के सम के बराबर होती है, लेकिन उसका भी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल ई ओ एफ में। मैंने बोला अब देखो 90 ये है, तो 90 के सामने क्या है, ये वाली साइड है ई एफ वाली, सो ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू बची क्या, ओ ई बची, ओ ई प्लस और क्या बची, ओ एफ बची, ओ एफ का स्क्वायर। रीजन क्या लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब ई एफ मेरा कितना है, जी है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ओ ई मेरा कितना है, ओ ई मतलब मेरा वाई है, और मेरा वाई कितना था, मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दो। और ओ एफ मेरा कितना है, 9 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो गया। तो 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, 144 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है, ये होता है मेरा 81, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब देखिए जी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और 81 को मैं करूँगा प्लस, 4 और 1 5, 8 4 1 और 1 2, 225 आ गया, 225, ठीक है। अब मुझे निकालना था जी, जी स्क्वायर नहीं निकालना था, मैंने बताया था जी अलग होता है, जी स्क्वायर अलग होता है, तो जी क्योंकि ये स्क्वायर है, बॉर्डर पार का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है, बॉर्डर पार करके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, प्लस बॉर्डर पार करके माइनस बनता है, माइनस बॉर्डर पार करके प्लस बनता है, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके डिवाइड बनता है, डिवाइड बॉर्डर पार करके क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है, स्क्वायर बॉर्डर पार करके रूट, ये स्क्वायर रूट बनता है, और स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करके वापस से स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब 120, अब 225 हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, देखिए 5 4 20 और यहाँ पे बचा 2, तो हो गया 25, 5 9 कितना होता है, 5 9 होता है हमारा 45। अब ये हो गया हमारा 7 से 7 7 7 1, ठीक है, सॉरी 5 4 20 5 5 क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखो इसका एलसीएम निकाल लो, 2 2 5 है 5 से, 5 4 20 2 गया, 5 5 25, अब देखियो 5 9 3 3 3 1, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख लूँगा, 5 5 3 3 5 5 3 3, ठीक है, रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो दो दो का पेड़ लेके बाहर निकाल दूंगा, तो z इज इक्वल टू 5 × 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो मेरा एक आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे तीनों आंसर आ गए, एक्स वाई और मेरा जी आ गया, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ABCD मेरा एक रोम्बस है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, इसमें हमें क्या गया, इसमें हमें फिगर नहीं दी हुई, बनानी है, ठीक है। देखो ABCD एक रोम्बस है, सो रोम्बस ऐसे बनता है, बना लेते हैं, ठीक है जी। ए थोड़ा टिकड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बी सी डी, ABCD मेरा एक रोम्बस है, डायगोनल इसकी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, तो डायगोनल तो ऐसी बनती है, अब तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारी फिगर आपने देख ली, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। AB मेरा कितना 10 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर, और मेरा BD मेरा कितना है 16 सेंटीमीटर, BD मतलब मेरी डायगोनल दी हुई है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेता हूँ। AB मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, और BD मतलब डायगोनल मेरी कितनी है, ये है मेरी 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC, ठीक है, और मुझे AC मुझे निकालना है, ठीक है। देखिए जी कैसे करेंगे, ध्यान देना, मेरा क्या है, ये रोम्बस है, तो AB मुझे दिया हुआ 10 सेंटीमीटर,
और मुझे बी डी दिया हुआ है, मुझे कितना दिया हुआ है बी डी, मुझे बी डी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है ए सी, मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे ए सी। तो ये तो आपको पता होगा कि जो डायगनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, बराबर नहीं होती मगर एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करती हैं। तो बी डी को सी ए सी ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डी ओ और ओ बी क्या हैं, बराबर हैं, डी ओ और ओ बी क्या हैं, बराबर हैं। तो देखिए मैं लिखूँगा बी डी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, और बी डी मेरी है क्या, बी डी है मेरी बेसिकली डी ओ प्लस ओ बी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। और डी ओ और ओ बी मतलब मेरे क्या हैं, मतलब ये मेरे सेम हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मैं डी ओ की जगह ओ बी भी लिख सकता हूँ, मैं ओ बी की जगह डी ओ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं ओ बी को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं डी ओ की जगह ओ बी लिख दूँगा, प्लस ओ बी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इसका रीज़न दे दूँगा, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, चलिए एट 90 भी लिख दो, ठीक है, मैं इसी में यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 90 हो गया, 90 है, ठीक है जी। अब मैं अब देखो टू ओ भी हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया, ओ भी मेरा कितना आ गया 16/2 कट गया तो मेरा आ गया 8 सेंटीमीटर। तो मेरा ओ भी 8 सेंटीमीटर है, ओ डी भी मेरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरा ये कितना आ गया, मेरा 8 हो गया। अब मेरे को ये मालूम है, और ये मेरा 8 हो गया, और ये भी मेरा 8 है, ठीक है, ओ भी मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा ये कितना है, 90 है, तो पाइथागोरस इसमें लगा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ए ओ बी में इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में लगाऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैंने बोला 90 ये है, तो 90 के सामने वाले की साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, तो 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर होता है, और बाकी जो बची हुई साइड है ए ओ उनका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है जी। रीज़न आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। ए बी स्क्वायर मेरा कितना है, ये है मेरा 10 का स्क्वायर, ए ओ मेरा कितना है मालूम नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, और ओ बी मेरा कितना है, ओ बी निकाला मैंने 8 का स्क्वायर, तो ये 100 हो गया 10 का, इसको ये लिख दो, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। सो 100 इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस 64 इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर हो गया, तो कितना बचेगा मेरा, 10 में से 4 गए तो बचा मेरा 6, 9 में से 6 गए तो बचा मेरा 3 इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए अब इसको वैसे लिख लेता हूँ, पहले एक ही बात है, ठीक है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। अच्छा तो ए ओ यहाँ रहेगा, स्क्वायर वहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो फॉर एग्जांपल 6 होता है इसका आंसर, 6 6 36, या अगर आपको एलसीएम लेना है तो 36 हो गया, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ऐसे कर लो, या फिर आप क्या करोगे इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कर लोगे, 36 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 3 × 3। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये बाहर आ जाएगा 2, ये बाहर आ जाएगा 3, सो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ए ओ मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था ए सी, तो ए सी क्या है, ए सी है मेरा ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है, और ए ओ और ओ सी बराबर हैं, ठीक है, तो एक तो लिखूँगा इक्वल्स टू 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। रीज़न क्या, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे सिंपल सा, ये वाला रीज़न करके नहीं दिखाना, बस सिंपल रीज़न लिख दिए, एक बार लिख चुके हैं, डायगनल्स ऑफ आ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, बस ठीक है, हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर 8 को यूज़ करना है, तो फिगर 8 बना लेते हैं जल्दी से। ये मेरी फिगर 8 हो गई, ठीक है जी, इस टाइप से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, क्या है मेरा ए बी सी डी, ठीक है, सी डी ये ओ है, और मेरा क्या है 2x 3a 3x है, ये 2x है, ये ओ हो गया,
और मुझे इसमें निकालना है एंगल्स, ट्रायंगल सी ओ डी के सारे एंगल, सी ओ डी मुझे इस वाले के सारे एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है, तो ये 3x है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए मैं बोलूँगा मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एंगल 1 इक्वल्स टू, ये क्या मेरा ओ ए बी है ना, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 3x। ओ ए बी बोलो या सी ए बी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने ओ ए बी बोल दिया, ओ ए बी, क्योंकि कोई, ठीक है, कितना हो गया 3x हो गया। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा हो गया 2 वाला, तो मेरा एंगल 2 मेरा होगा इसके बराबर, इसका नाम क्या है, ओ बी ए बोल दो इसको, ओ बी ए इक्वल कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2x। इसका रीज़न क्या है, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देखो इन ट्राइंगल सी ओ डी एंगल ओ मेरा कितना है 90 डिग्री, रीजन बीइंग डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है जी। अब मैंने बोला इन ट्रायंगल सी ओ डी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ओ मेरा कितना है 90, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिख दो, या लिख दो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल 1 मेरा कितना है, एंगल 1 है मेरा 3x, एंगल 2 मेरा कितना है 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, सो ये मेरा कितना हो गया 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 90 को बॉर्डर पार कराओ, सो 180 माइनस 90, सो 5x इक्वल्स टू 90, सो x इक्वल्स टू 5, बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड में, 5 1 5, 4 क्या है करिए 5 8 40, सो x इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो मैंने बोला एंगल 1 इक्वल्स टू कितना, एंगल मेरा 1 कितना था, मेरा था 3x, 3x, सो 3 मल्टीप्लाई x से अब आ जाएगा 18, ये हो गया मेरा 54, और मेरा क्या था एंगल 2 इक्वल्स टू कितना था मेरा 2x, 2 और ये हो गया 18, ये मेरा कितना हो गया 36, तो मेरा आंसर आ गया, दो एंगल ये रहे और एक एंगल मेरा ये रहा। चलिए,